नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ो जीके एंड करेंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आप फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण खोज के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखना। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं स्टडी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाऊंगा जो हर एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर खोज का नाम है और इधर खोजकर्ता और वैज्ञानिक का नाम है और किस वर्ष में खोजा गया था सो है इधर। तो चलिए, पहला प्रश्न है, परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो जॉन डाल्टन परमाणु के खोजकर्ता थे और उन्होंने 1808 में परमाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना किसके द्वारा खोजा गया? तो नील वोहर व रदरफोर्ड ने 1913 में परमाणु संरचना की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता किसके द्वारा खोजा गया? तो हेनरी बेकरल ने 1896 में रेडियो एक्टिविता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया? एक्स किरण किसके द्वारा खोजा गया? तो विलहेम रॉन्टन ने 1895 में एक्सरे किरण की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? सीवी रमन रमन प्रभाव के खोजकर्ता थे और उन्होंने 1928 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार का तार किसने खोजा था? तो मार्कोनी ने 1901 में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया? तो फैराडे ने दिया था और डेट अनोन है, इसका डेट अनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड बाल्ब के खोजकर्ता कौन है? जी एस फ्लेमिंग डायोड बाल्ब के खोजकर्ता है और उन्होंने 1904 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायोड बाल्ब के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर डी लीडी फॉरेस्ट 1907 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो एनरिको फॉर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर को 1942 में खोजा था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विषयक नियम अथवा लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? तो न्यूटन ने 1687 में इसे दिया था, इस नियम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम के खोजकर्ता कौन है? तो मैडम क्यूरी रेडियम के खोजकर्ता है और उन्होंने इसे 1898 में खोजा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अथवा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? माइकल फैराडे ने और उन्होंने 1831 में इसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी को दिया था और उन्होंने 1900 में इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने विद्युत प्रकाश प्रभाव का खोज किया था और उन्होंने 1905 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिया था? तो कुलम्ब ने 1779 में विद्युत आकर्षण के नियम को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी धातु में किसने दिया था? तो जे निप्से ने 1826 में फोटोग्राफी धातु में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कागज में किसने दिया था? तो इसका आंसर है डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने 1835 में फोटोग्राफी कागज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी फिल्म में किसने दिया था? तो जान कार्बट ने 1888 में फोटोग्राफी फिल्म में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को 1869 में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिया? तो जी एस ओम ने 1827 में विद्युत प्रतिरोध के नियम को दिया था।
अगला प्रश्न है, तैरने अथवा प्लवन के नियम किसने दिया था? तो आर्कमिंडीज ने, और इसका डेट अनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन किसके द्वारा दिया गया? तो एडिसन ने इसे दिया था और इसका भी डेट अनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरण के खोजकर्ता कौन है? तो विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरण को 1912 ईस्वी में खोजा था। अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथम के खोजकर्ता कौन है? तो जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में इसे खोजा था। शीतलन का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने 1701 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किरण के खोजकर्ता कौन थे? तो थे टीएच मेमन ने 1960 में लेजर किरण का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन थे? स्थिर विद्युत के खोजकर्ता थेल्स है और उन्होंने 600 ईसा पूर्व में स्थिर विद्युत का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है रीटर, और उन्होंने 1801 में पराबैंगनी किरण को खोजा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी बेकरल ने गामा किरण को खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता कौन है? तो ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग को किसने खोजा था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंड्रा वोल्टा, उन्होंने विद्युत बैटरी का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है जे जे थॉम्सन ने 1897 में इसे खोजा था। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उन्होंने इसे नाम नहीं दिया था, इसलिए रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया, और उन्होंने इसे प्रोटॉन का नाम 1920 में दिया था, इसलिए रदरफोर्ड को ही प्रोटॉन का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है जेम्स चैडविक, और उन्होंने 1932 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम को बनाया था और उन्होंने इसे 1945 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन के खोजकर्ता कौन है? फोटोन के खोजकर्ता न्यूटन है और उन्होंने 1915 में फोटोन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के आविष्कारक कौन थे? तो माइकल फैराडे ट्रांसफॉर्मर के आविष्कारक थे और उन्होंने 1831 में ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाऊंगा, तो चलिए रिवीजन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर मालूम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नील वोहर व रदरफोर्ड। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मोशन किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विलियम रॉन्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्स प्लैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को किसने खोज किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेंडलीव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने का नियम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज ने। दोस्तों अगर आप ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरणों के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किरण के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टीएच मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत को किसने खोज किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, थेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण को किसने खोज किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण को किसने खोज किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रिटर। रिटर ने पराबैंगनी किरण को खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को किसने खोज किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग को किसने खोजा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरिक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। पिछले प्रश्न का उत्तर है प्रश्न संख्या 24, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जूल। दोस्तों आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, डायनेमो का खोज किसने किया था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए, विक्टर हेस। ऑप्शन बी, निकोला टेस्ला। ऑप्शन सी, जेनेबे ग्रामे। या ऑप्शन डी, माइकल फैराडे। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप स्टडी से संबंधित किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।